कंगना रनौत बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का एक मोस्ट टैलेंटेड स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस और डायरेक्टर है और उन्होंने 2006 से शुरू करके अभी तक की कई सारे सक्सेसफुल फिल्में दे चुकी है और बॉलीवुड का वन ऑफ द हाइस्ट पेड एक्ट्रेस बन चुके हैं और उनको ज्यादातर कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन और ब्रेव लेडी नाम से पहचान जाते हैं। और एट प्रेजेंट कंगना ने जो स्टेप उठाया है नेपोटिज्म के अगेंस्ट में, मुझे लगता है इसी वजह से सुशांत सिंह राजपूत का जो सुइसाइडल केस चल रहे हैं उसमें से जरूर सच्चाई बाहर निकल के आएगा। और मुझे विश्वास है एक न एक दिन कंगना के हाथ पकड़ के बॉलीवुड में नेपोटिज्म का पॉलिटिक्स खत्म होगा और असली टैलेंट का कदर किया जाएगा। तो दोस्तों आज मैं उनका बॉक्स ऑफिस एनालिसिस के बारे में बताने वाली हूँ और अगर आपको कंगना रनौत की फैन तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना और एक लाइक भी देना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर वन गैंगस्टर। ये 2006 का रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है और इसमें इमरान हाशमी और कंगना रनौत लीड रोल में है। इसमें सिमरन जब अपने एक्स लवर गैंगस्टर दया से दोबारा मिलती है तब वो एक प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं जहाँ पर उसे अपनी प्रेजेंट लवर और एक्स लवर के बीच में से किसी एक को चुनना पड़ती है। और इसमें डेब्यू फिल्म के हिसाब से कंगना के एक्टिंग स्किल और उसकी लुक को फैंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू मिला था और इसका एमडी रेटिंग मिला है 7.1 out of 10 और इसका बजट था 5 crore, इनर कलेक्शन है 12 crore, वर्ल्डवाइड कलेक्शन रहा 16 crore और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई। नंबर टू वो लम्हे। ये 2006 का रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इसमें श्रीनी आज हुआ और कंगना रनौत लीड रोल में है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका स्टोरी एक्ट्रेस परवीन बॉबिस का लाइफ पर बेस्ड है और इसमें उनकी सिज़ोफोनिया डिजीज के साथ मिलाकर डायरेक्टर महेश भट्ट के साथ उनकी लव स्टोरी को भी दिखाई गई है और इसमें कंगना रनौत की परफॉर्मेंस को वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस हिसाब से माना जाता है और इसका एमडी रेटिंग मिला 6.6 out of 10 और इसका बजट 8 crore और इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन रहा 14 crore और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज निकला। नंबर थ्री शकलका बूम बूम। ये 2007 का म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर फोर लाइफ इन ए मेट्रो। ये 2007 का म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है और इसमें धर्मेंद्र कंगना रनौत इरफान खान कंकना सेन शर्मा लीड रोल में है। इसमें मुंबई में रहने वाले अलग अलग कुछ लोगों ने कैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मैरिज और प्यार को डील करते हैं दिखाई गई है और इस फिल्म का हर एक गाना काफ़ी पॉपुलर हुआ था और इसका एमडी रेटिंग मिला 7.4 out of 10 और इसका बजट था 8 crore, इनर कलेक्शन रहा 18 crore, वर्ल्डवाइड कलेक्शन रहा 24 crore और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नंबर फाइव धाम धूम। ये 2008 का तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर सिक्स फैशन। ये 2008 का ड्रामा फिल्म है और इसमें प्रियंका चोपड़ा कंगना रनौत और मुग्धा लीड रोल में है। इसमें एस्पायरिंग फैशन मॉडल मेघना माथुर ने अपने ग्लैमर सुपर मॉडल बनने का सपना पूरी करने के लिए स्ट्रगल करते हैं पर बाद में करप्शन की वजह से कैसे उनकी कैरियर एक खतरे में पड़ जाते हैं वह इसमें दिखाई गई है और इसका एमडी रेटिंग मिला 6.9 out of 10 और इसका बजट 13 crore, इंडियन कलेक्शन रहा 26 crore, वर्ल्डवाइड कलेक्शन रहा 50 crore और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई। नंबर सेवन राज द मिस्ट्री कंटिन्यूस। ये 2009 का सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है और इसमें इमरान हाशमी कंगना रनौत लीड रोल में है। इसमें एक मॉडल कैसे एक पैरानॉर्मल घटना को सामना करते हैं वह इसमें दिखाई गई है और इसका एमडी रेटिंग मिला है 5.6 out of 10 और इसका बजट था 15 crore, इनर कलेक्शन रहा 25 crore, वर्ल्डवाइड कलेक्शन रहा 36 crore और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। तो दोस्तों अगर आप चाहो तो डायरेक्टर मोहित शर्मा का बॉक्स ऑफिस का एनालिसिस भी देख सकते हो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नंबर एट एक निरंजन। ये 2009 का तेलुगु एक्शन फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया है पूरी जगन्नाथ ने और इसमें रेवल स्टार प्रभास और कंगना रनौत लीड रोल में है और इसमें एक यंग लड़का छुट्टू कैसे अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए फाइटिंग करते हुए इसमें दिखाई गई है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज निकला। तो दोस्तों अगर आप चाहो तो डायरेक्टर पूरी जगन्नाथ की बॉक्स ऑफिस का एनालिसिस भी देख सकते हो। नंबर नाइन काइट्स। ये 2010 का रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें ऋतिक रोशन बरबरा मोरी और कंगना रनौत लीड रोल में है और इसमें कंगना रनौत को एक नेगेटिव रोल में नजर आई है और इसका एमडी रेटिंग मिला 6 out of 10 और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप निकला। और दोस्तों अगर आप चाहो तो ऋतिक रोशन के बॉक्स ऑफिस का एनालिसिस भी देख सकते हो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नंबर टेन वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। ये 2010 का गैंगस्टर फिल्म है और इसमें अजय देवगन इमरान हाशमी कंगना रनौत लीड रोल में है।
इसमें दोनों गैंगस्टर सुल्तान मिर्जा, जो मुंबई का एक इनफेमस मॉबस्टर है, और दूसरी तरफ शोएब खान, जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपने अच्छे खासा नाम बनाने का कोशिश करते हैं, और बाद में इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दिखाई गई है। और इस फिल्म को काफी पॉजिटिव रिव्यू मिला है, और इसका IMDb रेटिंग मिला है 7.4/10, और इसका बजट था 36 करोड़, इंडियन कलेक्शन रहा 55 करोड़, वर्ल्डवाइड कलेक्शन रहा 85 करोड़, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नंबर 11, नॉकआउट। ये 2010 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है और फिल्म डिजास्टर निकला। नंबर 12, नो प्रॉब्लम। ये 2010 का एक्शन कॉमेडी फिल्म है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 13, तनु विट्स मनु। ये 2011 का रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसमें कंगना रनौत और मधुबन लीड रोल में है। इसमें NRI डॉक्टर मनु ने इंडिया वापस आते हैं दुल्हन ढूंढने के लिए, और बाद में वो कैसे तनु को प्यार करने लगते हैं वह इसमें दिखाई गई है। और फिल्म को वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म माना जाता है, और इसका IMDb रेटिंग मिला 6.8/10, और इसका बजट था 23 करोड़, इंडियन कलेक्शन है 58 करोड़, वर्ल्डवाइड कलेक्शन है 88 करोड़, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आर माधवन की बॉक्स ऑफिस का एनालिसिस भी देख सकते हो। नंबर 14, गेम। ये 2011 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है और ये फिल्म डिजास्टर निकला। नंबर 15, डबल धमाल। ये 2011 का कॉमेडी फिल्म है और इसमें संजय दत्त, रितेश देशमुख और कंगना रनौत लीड रोल में है, और इस फिल्म पर काफी कॉमेडी ट्विस्ट नजर आई है, और इसका बजट था 30 करोड़, इनर कलेक्शन है 44 करोड़, वर्ल्डवाइड कलेक्शन है 71 करोड़, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नंबर 16, रास्कल्स। ये 2011 का एक्शन ब्लैक कॉमेडी फिल्म है और फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 17, मिले ना मिले हम। ये 2011 का बॉलीवुड फिल्म है और फिल्म डिजास्टर निकला। नंबर 18, तेज। ये 2012 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है और फिल्म डिजास्टर निकला। नंबर 19, शूटआउट एट वडाला। ये 2013 का एक्शन क्राइम फिल्म है और इसमें जॉन अब्राहम, अनिल कपूर, कंगना रनौत लीड रोल में है। इसमें मानिया अपने भाई के ऊपर अटैक करने वाला एक गैंगस्टर को मर्डर करते हैं और इसलिए उसे जेल में डाल दिया जाता है, और बाद में वो जेल से निकल के कैसे अपना गैंग तय करते हैं वह इसमें दिखाई गई है। और इसका IMDb रेटिंग मिला 5.9/10, और इसका बजट था 50 करोड़, इंडियन कलेक्शन है 60 करोड़, वर्ल्डवाइड कलेक्शन है 70 करोड़, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नंबर 20, क्रिश 3। ये 2013 का सुपर हीरो फिल्म है और इसमें ऋतिक रोशन, विवेक ओबेरॉय, प्रियंका चोपड़ा और कंगना रनौत लीड रोल में है। इसमें कृष्णा और इविल जीनियस काल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दिखाई गई है, और इस फिल्म सीरीज बॉलीवुड का वन एंड ऑनली सक्सेसफुल सुपर हीरो फिल्म सीरीज है। और इसका IMDb रेटिंग मिला 5.2/10, और इसका बजट था 94 करोड़, इंडियन कलेक्शन है 244 करोड़, और वर्ल्डवाइड कलेक्शन है 385 करोड़, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 21, राज्यों। ये 2013 का रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म है और ये फिल्म डिजास्टर निकला। नंबर 22, क्वीन। ये 2014 का कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसमें कंगना रनौत लीड रोल में है। इसमें एक पंजाबी लड़की रानी के मंगेतर ने जब उसे शादी तोड़ देते हैं, तब रानी ने अकेले ही पेरिस में हनीमून करने के लिए जाती है, और वह वो कैसे खुद को डिस्कवर करती है वह इसमें दिखाई गई है। और इस फिल्म को वन ऑफ द बेस्ट फेमस सेंट्रिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म माना जाता है, और इसका IMDb रेटिंग मिला 8.2/10, और इसका बजट था 20 करोड़, इनर कलेक्शन है 60 करोड़, वर्ल्डवाइड कलेक्शन है 95 करोड़, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। नंबर 23, रिवॉल्वर रानी। ये 2014 का क्राइम कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 24, उंगली। ये 2014 का विजिलेंटर फिल्म है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 25, तनु वर्स मनु रिटर्न्स। ये 2015 का हिंदी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसमें तनु वर्स मनु का स्टोरी को कंटिन्यू करके दिखाई गई है, और इसका IMDb रेटिंग मिला 7.6/10, और इसका बजट था 40 करोड़, इनर कलेक्शन है 150 करोड़, वर्ल्डवाइड कलेक्शन है 258 करोड़, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 26, आई लव इन वाई। 2015 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 27, कट्टी बट्टी। ये 2015 का रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 28, रंगून। ये 2017 का प्योर डुआ ड्रामा फिल्म है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 29, सिमरन।
ये 2017 का हिस्ट क्राइम ड्रामा फिल्म है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 30 मणिकर्णिका, ये 2019 का हिस्टोरिकल बायोग्राफी का पियर ड्रामा फिल्म है और इसमें झांसी का रानी लक्ष्मी बाई का ब्रिटिश के अगेंस्ट पे वार को दिखाई गई है और इस फिल्म को काफी मिक्स रिव्यू मिला है और इसका IMDb रेटिंग मिला 6.4/10 और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप निकला। नंबर 31 जजमेंटल है कैप, ये 2019 का हिंदी ब्लैक कॉमेडी फिल्म है और ये फिल्म एवरेज निकला। नंबर 32 पंगा, ये 2020 का स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है। इसमें इंडिया के नेशनल लेवल कबड्डी प्लेयर का लाइफ स्टोरी और स्ट्रगलिंग को दिखाई गई है और इसका IMDb रेटिंग मिला 7.2/10 और ये फिल्म एवरेज निकला। नंबर 33 थलाइवी, ये अपकमिंग बायोग्राफिकल फिल्म है और इसमें तमिलनाडु का फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जयललिता के एक्टिंग कैरियर के साथ जुड़कर उनकी पॉलिटिकल लाइफ को दिखाया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चाहो तो कंगना रनौत की अपकमिंग मूवीज का लिस्ट देख सकते हो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नंबर 34 धाकत, ये अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें कंगना रनौत लीड रोल में होंगे और पहली बार इंडिया में कंगना ने इस तरह की वुमेन सेंट्रिक एक्शन फिल्म कर रही है और इसमें कंगना को हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इन सभी अपकमिंग फिल्मों से कौन सी फिल्म के लिए आपको इंतजार रहेगा कमेंट करके बताना और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी कमेंट करके बताना। तो दोस्तों ये रहा कंगना रनौत की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इसके बारे में। इन सभी फिल्मों से कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी कमेंट करके बताना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और इस बॉलीवुड साथी न्यूज़ अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।